हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिमेक्स राइड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो गाइस, आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सॉरी फॉर द डिले, बहुत ही ज्यादा बिजी रहता हूँ। मेरा एक प्राइमरी टास्क भी एक्चुअली है, प्राइमरीली मैं एक वेब डेवलपर हूँ, फुल स्टैक वेब डेवलपर हूँ, इसलिए कई बार मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। और अभी एक महीने बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मैं समझ सकता हूँ मेरा जो लास्ट वीडियो था उसे लगभग एक महीना हो चुका है। गाइज, लास्ट वाला जो मेरा वीडियो था वो मुझे याद है, हायाबुसा की सेकंड सर्विस की रिगार्डिंग था। और उसके बाद में एक मुझे कॉफ़ी मीटअप का वीडियो पोस्ट करना था। एक्चुअली बाइक की सर्विस करने के लिए जो टेक्नीशियन आए थे उनके साथ केवल भाई भी आए थे, जनरल मैनेजर, और उनको एक मीटअप रखना था छोटा सा राइडर्स के साथ। तो गाइज, उस मीटअप को मैंने शूट किया था पर मैं उसे पोस्ट नहीं कर पाया था। तो एक छोटा सा मीटअप है जो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ अभी। यार सीरियसली, प्राइमरी बिजनेस भी है, फुल स्टैक वेब डेवलपर हूँ, और जब प्रोजेक्ट्स आते हैं ना तो पूरी रात रात भर जग के काम करना पड़ता है। तो गाइज, इसीलिए बस मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, और अभी कोशिश करूंगा मैं वीडियोस को कंटिन्यू अपलोड करूं। एक कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी काम में। फिर भी गाइज, मैं कोशिश करूंगा मैं वीडियो एक कंसिस्टेंसी के साथ अपलोड करूं। सो गाइज, सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉफ़ी मीटअप बताने जा रहा हूं। ये कॉफ़ी मीटअप लगभग एक महीने पुराना है, तभी कही है जब मेरी बाइक की सेकंड सर्विस कंप्लीट हो गई थी, और यहां से फिर केवल भाई को, टेक्नीशियन को लेकर मैं इंदौर गया था। तब का ये वीडियो है, छोटा सा एक ब्लॉग पोस्ट कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, जिसमें मतलब हम लोगों ने काफ़ी एंजॉयमेंट किया, बहुत सारी सुपर बाइक्स वहां पर आई थी। सुफियान भाई वो जल्दी आ गया। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, भी बहुत सारे नए फेस देख रहा हूं, क्योंकि हम लोग राइड करते हैं, कहीं ना कहीं ब्रदरहुड है, हम किसी के साथ राइड करें, लेकिन कहीं अगर मिले तो एटलीस्ट हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते। डिस्काउंट तो देना पड़ेगा यार, पक्का है पक्का। हम लोग ये हमारे तो गाइस बताओ, ये संडे का सारे इंदौरी राइडर्स हैं, बेसिकली सब अलग-अलग टाइप की कैटेगरी की बाइक्स मतलब राइड करते हैं। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं कि कोई एडवेंचर राइड करता है, कोई स्पोर्ट्स राइड करता है, कोई नेकेड बाइक भी राइड करता है। अभी हम सत्तर का राइड प्लान कर रहे हैं, बट कुंभलगढ़ के लिए कर रहे हैं। ओके, कुंभलगढ़ राजस्थान बड़ा बहुत करनी है, लाइक नहीं बोला वो जाएगा झंडा से लेके। हां, उनको लाउड चाहिए था। तुम्हारा पता है ना, अभी भी दो तीन पड़ी ना, तीन पड़ी अभी। लाउड चाहिए कि लाउड नहीं चाहिए? मुझे लाउड भी चाहिए और बेस भी चाहिए। और इंटू टू भी, ये रहा, ये एग्जॉस्ट कौन सा है? A few moments later.
तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं आप रॉयल एनफील्ड R15 ड्यूक 390 BMW 310 सुजुकी हायाबुसा हार्ले डेविडसन निंजा 300 निंजा 400 390 एडवेंचर भी मिल जाएगी, जावा मिल जाएगी, सेकंड जनरेशन हायाबुसा, थर्ड जनरेशन हायाबुसा, इन शॉर्ट बोलूँ तो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हियर। एडवेंचर बाइक, स्पोर्ट्स, टूरर, सभी तरह की बाइक्स अवेलेबल है यहाँ पर। लगभग 35 से 40 राइडर आए हैं, तो बहुत अच्छा मीटअप रहा आज शाम का। उम्मीद नहीं थी कि इतना बढ़िया मीटअप रहेगा। नहीं, बाइक बहुत अच्छी है, ये 2015 मॉडल है ना, बाइक अच्छी लग रही है आशान भाई। यार रेड के तो अपन फैन है। और एग्जॉस्ट कौन सा लगा है? छिकती होगी तो चिल्लाती होगी खतरनाक। करो जरा चालू। भाई क्या एग्जॉस्ट का साउंड है, कौन सा एग्जॉस्ट है? ये वाला। ये कला कहाँ से सीखी? ठुक ठुक के प्राइवेट जगह से सीखी, बताने के लिए। ब्रॉक्स वगैरह तो लगा नहीं, आपको बोलिए छोड़िए, ये बेस है इसमें। A few moments later. ओके गाइज, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए प्लीज़ इंतजार करिए। आई विल बी बैक इन द नेक्स्ट वीडियो एज सून एज पॉसिबल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।